नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। हमने इससे पहले शुरू किया था बुलेटिन, लेकिन उसमें साउंड का कोई इशू था। आज इस बुलेटिन के जरिए आपको बताएंगे दिन भर की घटनाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से वापस आ गए हैं और आज वो संजौली कॉलेज में कार्यक्रम में थे। उसमें कुछ नई अनाउंसमेंट भी मुख्यमंत्री ने की है, आपको उसमें बताएंगे। साथ में दूसरी बात जो करेंगे वो है आज के बुलेटिन का महत्वपूर्ण विषय, वो है स्कूलों की छुट्टियां। देखिए, आपको पता है यहां पर शिमला में एक वर्कशॉप चल रही है 3 दिन की एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन को लेकर। आज क्लोजिंग सेशन में शिक्षा सचिव राकेश कंवर उसमें आए थे और इस वर्कशॉप में जो बड़ी बातें हुई हैं उसमें एक इशू क्या है कि जो राज्य के सरकारी सेटअप में स्कूलों की एक व्यवस्था है, स्कूलों की जो छुट्टियां हैं उसमें बदलाव को लेकर बात हुई है। ये छुट्टियों में बदलाव किस तरह से होगा, क्या प्लान है सरकार का, आज एक आउटलाइन उसकी पता चली है। आज हम बुलेटिन में आपको बताएंगे समर और विंटर क्लोजिंग में किस तरह से परिवर्तन होने वाला है, और साथ में जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जिलों के मुताबिक उनसे क्यों सुझाव मांगे गए हैं। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बरसात की छुट्टियां हैं मॉनसून ब्रेक की, वो क्यों अब डायनामिक मोड पे हो सकती हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट इसमें रहेगी। अगली बात करेंगे क्यों और 20 स्कूल बंद होने वाले हैं हिमाचल में, ये भी एक आज फिगर सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कुछ नए ऐलान किए हैं वो बताएंगे आपको। विभागों बाकी विभागों में सीनियोरिटी का सिनेरियो अब क्या है एजुकेशन के ऑर्डर के बाद, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि कल का जो बुलेटिन था उसमें बहुत सारे लोग इस बारे में जानकारी चाह रहे थे कि बाकी विभागों में एजुकेशन के बाद क्या होगा। और जो सीनियोरिटी के अब हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि पैरा टीचर्स ने खासकर सरकार को जो आज प्रपोजल दिया है उसमें क्या बात कही है। किसका मानदेय बड़ा है, पीसीसी चुनाव और बीजेपी में मंडल चुनाव दोनों की हलचल तेज हो गई है, दोनों जगह अलग अलग जगह चुनाव होने हैं, इसको लेकर कमेटियां बन गई हैं, उन कमेटियों की बैठकें आगे आ गई हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हालत के सुधार के लिए तरुण शिरवर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, आपको पता है उस कमेटी ने 5 महीने एडवांस अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसकी वजह क्या है, कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, उन दोनों चीजों की बात करेंगे। बंद होटलों पर एक नया बखेड़ा हुआ है वो बताएंगे आपको। एचआरटीसी की बीओडी में क्या क्या मैटर्स हैं, कृषि विश्वविद्यालय भूमि विवाद में हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ये भी एक आज अपडेट आई है। 15,000 अब फीस नक्शा पास करवाने की लगेगी जो पहले 5,000 थी, ये भी एक अपडेट है। जेल में कैदी भिड़े हैं, चुनाव के नतीजे, विधानसभा चुनाव जो 2 राज्यों में था, लोकसभा उपचुनाव भी बीच में था, इन सारी चीजों को देखते हुए मौसम की भी बात करेंगे। देखिए, मौसम में इंतजार हो रहा है बारिश का और हिमाचल में बारिश के इंतजार में अब इफेक्ट इतना हो गया है कि अब ना केवल पावर जनरेशन पर बाकी जगहों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। आज हिमाचल के आसमान पे बहुत जगह बादल देखे गए हैं, हालांकि मौसम विभाग की प्रेडिक्शन की देखें तो उसमें अभी भी बारिश शो नहीं हो रही और जो एक अलर्ट है धुंध का उस अलर्ट तक ही अभी मौसम विभाग की प्रेडिक्शन अभी चल रही है। अगली अगर बात करें तो वो है चुनाव नतीजों को लेकर। देखिए, आज झारखंड में चुनाव था, महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने थे। महाराष्ट्र में एनडीए ब्लॉक को यानी कि बीजेपी को वहां मैसिव विन मिली है और 200 से ज्यादा सीटें हो गई हैं और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 125 प्लस सीटों पे अभी तक जारी है, तो महाराष्ट्र रिटेन किया है बीजेपी ने और एनडीए ब्लॉक में। और झारखंड में जो इंडिया अलायंस है उन्होंने दोबारा से सरकार अपनी बना ली है, बचा ली है रादर, क्योंकि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में सरकार थी और वो सरकार उन्होंने बचा ली है। तो विधानसभा चुनाव एक एक हो गया है। कांग्रेस के लिए जो जीत है वो मायने रखती है, प्रियंका गांधी वाड्रा की जो वायनाड से आज हुई है और 4 लाख से ज्यादा वोट से गैप है इसमें, और ये भी जीत हुई है। और इधर राहुल गांधी देर रात शिमला पहुंच गए हैं, पहले सोनिया गांधी आई थी, अब राहुल गांधी भी शिमला पहुंच गए हैं, तो ये जो पॉलिटिकल सर्कल में चल रहा है वो है। आज की जीत पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झारखंड की जीत पर और साथ में वायनाड से प्रियंका गांधी की जीत पर बधाई दी और कहा है कि लोगों ने कांग्रेस में भरोसा जताया है।
दूसरी तरफ जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र में और जो देश की आर्थिक कैपिटल है मुंबई, वहां पर एनडीए की दोबारा से सरकार बनने और बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट सबसे ज्यादा सीटें मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो महाराष्ट्र की जो पार्टी की इकाई है उनको उनको बधाई दी है। तो ये जो चुनाव से रिलेटेड फीडबैक था वो था। जेल में कैदी जो भिड़े हैं उनकी अगर बात मैं करूं तो ये कैथू जेल में हुआ है मामला। शनिवार के दिन दो कैदी कंबल का झगड़ा हुआ, कंबल को लेकर झगड़ा हुआ, उसमें ये भिड़े हैं। इसमें एक कैदी घायल हो गया, इसको आईजीएमसी लाया गया है और इसकी दाहिनी आंख में चोट आई है, इसी कारण इसको लाना पड़ा है यहां पे। दूसरा जो कैदी है जिसपे आरोप लगाया गया है वो रामपुर का निवासी है और ये दोनों आपस में जो झगड़े के बाद बालूगंज थाना को सूचित किया गया और उसके बाद इसको यहां शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए आईजीएमसी में। जो अगला सब्जेक्ट है वो है 15,000 में नक्शे का। देखिए, जो हिमाचल में टीसीपी विभाग ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो शुल्क भवन निर्माण से संबंधित अनुमतियों के थे वो बढ़ा दिए हैं। नक्शा पहले 5,000 में अप्लाई हो जाता था, 15,000 से 16,000 इसमें लगेगा और जो नक्शे पास करने की एवज में 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर बिल्ट अप एरिया के हिसाब से शुल्क लगेगा। पहले यह शुल्क 8 रुपए था जो 40 रुपए अब हो गया है और यही व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 40 रुपए की जगह 80 रुपए हो जाएगा। और जो इसमें और चीजें इंक्रीज हुई हैं उसमें प्लानिंग जो स्पेशल एरिया और प्लानिंग एरिया में 30 रुपए होगा जो पहले 5 रुपए था, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 60 रुपए होगा जो पहले 8 रुपए था। तो ये इंक्रीज हुआ और इसमें बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं करण नंदा, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि ये कई गुना एक साथ बढ़ाने से लोगों पे इसका बोझ पड़ेगा और ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। कृषि विश्वविद्यालय का जो झगड़ा चल रहा है भूमि विवाद का, उसमें हाईकोर्ट से आज एक जजमेंट आई है, उसके बारे में की गई पालमपुर की कृषि विश्वविद्यालय की जो जमीन है 112 हेक्टेयर की, उसका लैंड यूज कोई चेंज नहीं करेगा। ना तो वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोई काम करेगी, ना ही टूरिज्म डिपार्टमेंट कोई वहां काम शुरू करेगा, ना ही नेचर ऑफ द लैंड चेंज होगा। इसीलिए 24 सितंबर को हाईकोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालय में ये रोक लगा दी थी ट्रांसफर करने पर और उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिए थे और उसमें संशोधन अब किया है सरकार ने, कोर्ट ने, जो जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और राकेश कैंथला की खंडपीठ थी। और लेकिन जो इसका नेचर है लैंड का उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा, ये ऑर्डर में कहा गया है। अगली बात जो एचआरटीसी बीओडी की है, मंगलवार को एचआरटीसी बीओडी की बैठक होने वाली है, इसमें नई बसों की खरीद को लेकर मुख्य तौर पर जो फैसला है वो होना है और इसी तरह का जो एजेंडा उसमें लाया जा रहा है। इस बैठक की तैयारियां कर दी हैं, सूचना भेज दी गई है, हॉलिडे होम में ये होगी और नई कार्ड सेवा को लेकर भी फैसला होगा। एनसीपीसी की तरह एचआरटीसी एक नया कार्ड शुरू करने जा रही है और ये प्लास्टिक कार्ड में इसको परिवर्तित किया जा रहा है और एमडी जो है इसमें एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और इसमें और चीजें भी जो जो नई चीजें आएंगी उनके बारे में हम आपको फिर उस बैठक के दिन भी अपडेट करेंगे। अगली बात है तरुण श्रीधर की रिपोर्ट और जो बंद होटलों पर बखेड़ा हुआ है नया, वो क्योंकि ये दोनों मामले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आज एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके जो महासचिव हैं राजकुमार, इनके साथ और भी लोग थे जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और इन्होंने ये आरोप लगा दिया कि कोर्ट में जो रिप्लाई दायर किया गया है एचपीटीडीसी होटलों की तरफ से होटलों के बारे में वो गलत था और जो होटल है वो सिर्फ ऑक्यूपेंसी से घाटे में नहीं माना जाता। जैसे चायल पैलेस है, चायल पैलेस का रेस्टोरेंट अच्छा चलता है, बाहर लोग लॉन में बैठ के लंच करते हैं, वहां भीड़ होती है लेकिन रूम नहीं लगते क्योंकि रूम्स का जो किराया है वो महाराजा स्वीट महारानी स्वीट करके जो हेरिटेज रूम्स हैं उनका बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग उसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन जो रेस्टोरेंट है बाकी चीजें वो पूरी चलती हैं, ये इनका तर्क था और ये जानबूझकर रिपोर्ट दी गई कोर्ट में ऐसी ताकि घाटे में इनको शो किया जा सके, ऐसा इनका आरोप था एचपीटीडीसी कर्मचारी यूनियन का। एक बात इन्होंने ये भी कही कि जो टूरिज्म के चेयरमैन है आरएस बाली, वो उनके कहने पे ये हुआ क्योंकि उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद होटलों को फायदे में लेने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया और जो कर्मचारी जब कम थे, एक आरोप लगाया है कि जो कर्मचारियों की कमी है, जब भरने को बुला तो अपने चुनाव क्षेत्र में ही 70 लोग रखे जबकि बाकी जगह जो है वो कोई काम नहीं किया।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्मचारी संघ ने यह भी डिमांड की हाई कोर्ट से कि जो 9 होटल और बंद रखे हुए हैं उनको भी खोल दिया जाए ताकि काम आगे रूटीन में चले। लेकिन दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये आ गई कि आपको पता है एचपीटीडीसी के होटलों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुझाव मांगने के लिए एक सदस्यीय कमेटी रिटायर आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। उनको 6 महीने दिए गए थे अपनी रिपोर्ट को देने के लिए। हाल ही में वो इसी महीने इन कर्मचारियों से मिलने शिमला आए थे। एचपीटीडीसी के ऑफिस में उन्होंने मीटिंग भी की, मीडिया वालों के साथ भी ब्रीफिंग की और 5 महीने एडवांस इन्होंने आज अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म देवेश कुमार को सौंप दी है। और इस 15 पेज की रिपोर्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एचपीटीडीसी के जो होटल है उनको बेच दिया जाए या लीज पे कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो उन्होंने सुझाव दिए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, एचपीटीडीसी के हित में है। लेकिन जो हाईकोर्ट में झगड़ा एक चल रहा है इस केस का, जिस केस में होटल बंद करने का ऑर्डर आ गया, उस कंट्रोवर्सी को देखते हुए हमें लग रहा है कि तरुण श्रीधर ने जल्दी जल्दी ये रिपोर्ट दे दी, क्योंकि उसके बाद कई इफेक्ट इसके आने थे। हालांकि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है देवेश कुमार को, उसमें ये कहा है कि उनको क्योंकि वहां पर चेयरमैन लगा दिया है एक जगह, और इन्होंने कहा है कि इनको इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया है, इसलिए वो चाहते हैं कि नई जिम्मेदारी लेने से पहले जो राज्य सरकार ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी थी वो उससे मुक्त हो जाए और उसके बाद फिर अगला काम शुरू करें। इसलिए इन्होंने 5 महीने पहले ही ये अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद इसको सरकार किस तरह से लागू करती है, क्या आगे इसमें होगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस पूरी रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स आगे दिए गए हैं। इसके बाद अब चुनावों की हलचल जो बीजेपी और कांग्रेस की है उनकी बात कर लेते हैं। और चुनाव की हलचल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बीजेपी ने, क्योंकि इनके अब मंडल नए गठन होने हैं, उसके लिए समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, जिन्होंने पालमपुर से चुनाव भी लड़ा था, इनको संयोजक बनाया गया है मंडल चुनावों को लेकर, नए मंडल के गठन को लेकर कमेटी का। और जो संसदीय क्षेत्र वाइज कांगड़ा में पवन काजल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और विधायक हैं, हमीरपुर में रणधीर शर्मा प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं और विधायक हैं, मंडी में राकेश जमवाल मुख्य प्रवक्ता हैं और विधायक हैं, और शिमला में सुखराम चौधरी विधायक हैं और शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं। इनको लगाया गया है इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करवाने को लेकर, तो ये बीजेपी की घटना है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पीसीसी को भंग कर दिया गया था। पीसीसी में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ही है, बाकी कोई है नहीं। पीसीसी के गठन को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने एआईसीसी के सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगा रखी है हिमाचल को लेकर। उनमें से 2 सेक्रेटरीज जो हैं विदित चौधरी और चेतन चौहान, ये हिमाचल के दौरे पे आने वाले हैं। 24, 25 और 26 तारीख को 3 दिन ये हैं, 24 को ये आएंगे, 25 तारीख को ये पीसीसी प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो हैं उनके साथ राजीव भवन में बैठक करेंगे और फिर उसी दिन सीनियर लीडर्स के साथ राजीव भवन में चर्चा होगी। फिर अगले दिन 11:30 बजे यानी कि 26 तारीख को ये हेड ऑफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो डिपार्टमेंट हैं एचपीसीसी के और जो पुराने प्रेसिडेंट हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हैं, मीडिया और सोशल मीडिया के लोग हैं, उनके साथ भी बैठक करेंगे ताकि जो कांग्रेस में नई पीसीसी का गठन होना है उसको लेकर सामंजस्य बनाया जा सके और वो गठन में क्या क्या किन किन चीजों को ध्यान देना है, किन किन चीजों को आगे बढ़ाना है, उनको लेकर फैसला हो सके। अब बात करते हैं किसका मानदेय बढ़ा है। देखिए पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्करों को जिनको 4500 रुपए मिलते हैं उनके 500 रुपए मानदेय और बढ़ा दिया गया है, 5000 रुपया इनको मिलेगा। ये जो विक्रमादित्य सिंह है पीडब्ल्यूडी मंत्री, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी एक अधिसूचना की कॉपी डाली है और ये डिसीजन हो गया होगा पहले और उसके बाद ये लागू कर दिया गया है। तो ये एक तो डिसीजन ये हो गया है कि जो पीडब्ल्यूडी के मल्टीटास्क वर्कर हैं उनके 500 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि मल्टीटास्क वर्कर और विभागों में भी लगे हैं, उनको लेकर स्टेटस अभी क्या है उसके बारे में अभी पता करना पड़ेगा कि वो किस तरह से आगे चलेगा। लेकिन अब जो कल आप लोग बहुत खासकर जो एम्प्लॉइज कमेंट कर रहे थे कि सीनियोरिटी के मसले पे क्या होने वाला है, देखिए जो सीनियोरिटी को लेकर अभी तक जो ऑर्डर है वो केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी इसलिए है क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से सिमिलर सिचुएटेड केसेस में पिटीशंस बहुत ज्यादा थी, उसके बाद वो डिसाइड भी हो गई। डिसाइड होने के बाद कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाने की राज्य सरकार की कोशिश एक चल रही है जिसमें डिस्कशन लॉ डिपार्टमेंट से हो रही है, लेकिन उसमें भी
भी जो इवन इससे पहले भी जो बेनिफिट दिया गया है रणजीत सिंह वाले केस में वो भी कंडीशनल है कि अगर सरकार को बाद में कोई लीगल रेमेडी मिल गई तो उसमें वापस वो लाभ करना पड़ेगा, रिकवरी उसकी होगी, लेकिन वो चीजें बाद की हैं। अभी फर्क सिर्फ ये है कि सीनियोरिटी के मैटर में जो जो लागू करने को भी कहा गया है उसमें सिर्फ ये है कि सिर्फ सीनियोरिटी अभी दी जाएगी, फाइनेंशियल बेनिफिट में उसमें कोई ऐड नहीं किया गया है। इवन फाइनेंशियल बेनिफिट में भी जो आप कहिए कि जो उनको छुट्टियों का लाभ मिलेगा या नहीं, लीव एनकैशमेंट का जो बाद में ऐड होता है, या फिर उनको ऑन लीव उस पीरियड की मिलेगी कि नहीं, इस तरह की किसी भी तरह की चीजों पर फैसला नहीं हुआ है राज्य सरकार के स्तर पर। जब फैसला होगा तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। जो ताज मोहम्मद केस था उसमें दो चीजें थी कि एक तो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट मिलेंगे आफ्टर रेगुलराइजेशन, पहली बात। दूसरा उसमें था कि मिलेगा सिर्फ उनको जो आरएनपी रूल्स के तहत भर्ती हैं। कौन कौन कैटेगरीज है मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन बाकी विभागों में जिन जिन विभागों से ये पिटिशंस चल रही हैं उन उन विभागों में उन विभागों के थ्रू रिप्रेजेंटेशन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से होगी और उन्होंने ये डिसाइड करना है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को जिन जिन विभागों से अभी तक रेफरेंस मिले हैं उसमें सरकार ने निर्णय लेना है। जो पिछली बार बैठक हुई थी और उस बैठक से अब की बैठक के बीच में 8 विभागों से इस तरह के रिप्रेजेंटेशन कर्मचारियों के कोर्ट की पिटीशन और बाकी माध्यम से मिले हैं इस कमेटी को, और इस इन रिप्रेजेंटेशन पे पहले सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस पहले चीजों को देखेंगे, उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इस तरह के कोर्ट केसेस को लेकर एक कमेटी बना के रखी गई है, उस कमेटी ने यह निर्णय लेना है बाकी चीजों को लेकर। एजुकेशन को लेकर जल्दी प्रोसेस इसलिए हो गया क्योंकि एजुकेशन के मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, आपको पता है कि कई बार जो अधिकारी हैं उनको अरेस्ट करने को लेकर भी चेतावनी दी हुई थी, उसके बाद कुछ डिसीजन जो है वो जल्दी जल्दी में हो गए। हालांकि इन डिसीजंस में भी जब ये कमेटी तक मैटर गया तो उसमें फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं उनको रोका गया है, सिर्फ सीनियोरिटी की ही बात की गई है। और लेकिन अभी आप देखिए कि अल्टीमेटली हम जा कहां रहे हैं, अल्टीमेटली हम वहीं जा रहे हैं अगर आपको सीनियोरिटी मिलेगी तो आपसे जो जूनियर है उसको ज्यादा सैलरी नहीं हो सकती और आपसे जो सीनियर है उसको इंक्रीमेंट मिलनी ही है, लेकिन वो किस तरह से मिलेगी, कब मिलेगी, क्या वो फिर से लिटिगेशन का मसला होगा, ये आने वाला समय बताएगा। अभी तक जो लीगल एक्सपर्ट बताते हैं, जो कर्म जो विभागों के डीएज हैं वो बताते हैं जो कोर्ट में पेश होते हैं कि अगर एक विभाग में मिल गई सीनियोरिटी तो बाकी विभागों में भी मिलेगी। ताज मोहम्मद के सिविल सप्लाई से शुरू हुआ था, हालांकि इसमें जो लेखराज वाली जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट है सारे कर्मचारियों के लिए, बेसिक शुरुआत ताज मोहम्मद से हुई थी लेकिन जो फाइनल जजमेंट है वो लेखराज की थी। अब इसमें जिन अब सिविल सप्लाई से अगर कोई जजमेंट आई है और वो एजुकेशन में लागू हो गई तो बाकी विभागों में भी होगी, फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी कितनी पिटीशन आगे गई हैं, पेंडिंग हैं या फिर फाइनल हो चुकी हैं। तो जहां जहां से नहीं हुई है मुझे लगता है वहां से सिमिलर सिचुएटेड केसेस में हो जाएंगी। वैसे ताज मोहम्मद के डिसाइड होने के बाद और आयुर्वेद से जो एक केस गया था ये बालो देवी वाला, उसमें भी इस तरह से जो डिसीजन बाकी पिटीशन एकदम हो गई थी, तो उसमें जहां जहां से होगा आपको पता है कि पहले पिटिशनर्स तक की इसको क्वा पिटिशनर्स डिसीजन हुआ था, लेकिन बाद में क्योंकि सीनियर सीनियोरिटी और सीनियर जूनियर का झगड़ा बढ़ने के खतरे को देखते हुए फिर इसमें सभी को पूरे कैडर को ही नए सिरे से ऑर्डर किए गए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सारी सीनियोरिटी लिस्ट चेंज हो रही है और इसके कारण आने वाले दिनों में जो भी प्रमोशंस हैं उन पे भी असर पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन सीनियोरिटी इसमें बदलेगी। लेकिन इस सीनियोरिटी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं और पहला साइड इफेक्ट सामने आया है पैरा टीचर्स के माध्यम से। कल हमने बताया था पीटीए पैरा टीचर्स और कॉलेज कैडर की एक कैटेगरी की फाइल रिजेक्ट हो गई है सीनियोरिटी देने को लेकर, लेकिन इनकी चिंता कुछ और है। देखिए ये जो पैरा अध्यापक प्रतिनिधिमंडल राज्य सचिव हितेंद्र दुल्टा की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मिला, इन्होंने कहा कि ये जो ताज मोहम्मद केस की जजमेंट लागू हो रही है इसमें यह चीज का ध्यान रखा जाए कि पैरा अध्यापकों को नुकसान ना हो, मतलब अगर कोई प्रमोट होगा तो किसी को लगेगा कि वो पीछे भी हो सकता है या जिसको सीनियोरिटी मिलेगी उसका इफेक्ट दूसरे पर भी आएगा, और इसी कारण ये सारी चीजें अब चल रही हैं और विभागों में भी इस तरह की बातें आएंगी, खासकर जो किसी पॉलिसी के तहत विभागों में आए हैं आरएनपी रूल के तहत नहीं आए हैं। ऐसे बड़े सारे विभागों में जो कर्मचारी हैं
जो आरएनपी रूल के अलावा आए हैं, और इसीलिए उन पर इसका क्या इफेक्ट होगा उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में उस चीज को भी देखा जाए कि ये जो इफेक्ट है वो किस तरह का है। अभी देखिए, इसके अलावा जो चीजें अभी चल रही हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं सीनियोरिटी के अलावा, और वो है मुख्यमंत्री आज जो संजौली कॉलेज गए थे। देखिए, संजौली कॉलेज जो थे वो अलुमनाई मीट के लिए थे, और वहां उन्होंने डिग्री कॉलेजों की रैंकिंग की बात की है कि राज्य सरकार एक मैकेनिज्म पे विचार कर रही है, जो 138 डिग्री कॉलेज है उनकी रैंकिंग की जाए, रैंकिंग के हिसाब से उनको बजट दिया जाए ताकि क्वालिटी एजुकेशन को उससे कनेक्ट किया जा सके। लेकिन वहां बीजेपी और जो सीपीएस का जो केस जजमेंट आई है उस पर भी बात हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का काम जो है सिर्फ काम है वो सिर्फ रोड़ा अटकाना है, विकास में अड़ंगा डालना है, विकास में सहयोग का नेचर इनका है नहीं। इनके पांच ग्रुप बन गए हैं, नड्डा का ग्रुप है, जयराम का ग्रुप है, बिंदल का है, अनुराग ठाकुर का है, और अब एक ग्रुप नया क्रिएट हो गया हर्ष महाजन का। अब इसके बाद जो एक बात और कही उन्होंने कि जितनी चीजें कहीं जितना कुछ किया, व्यक्तिगत आरोप मेरे पे लगा रहे हैं, व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे और भी सख्त फैसले लेंगे आने वाले दिनों में, ताकि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की एक दिशा पकड़ी है सरकार ने उसको पूरा किया जा सके। ये बात सीएम ने आज कही है। और इसके साथ हालांकि इस कार्यक्रम में हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं संदीप शर्मा वो भी थे, क्योंकि वो भी संजौली कॉलेज के पढ़े हैं, और यहां पर कॉलेज के दिनों की कई यादें जो हैं वो ताजा मुख्यमंत्री ने की हैं। दूसरी बात है अभी जो इसके बाद है वो है स्कूलों को बंद करने की। देखिए, हिमाचल में जो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर हिपा में 3 दिन की एक वर्कशॉप चल रही थी, आज उसका लास्ट डे था। शिक्षा सचिव राकेश कंवर उस वर्कशॉप में गए थे। उस वर्कशॉप में आखिरी दिन एलिमेंट्री एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने, आशीष कोहली ने यह बताया उसमें, कि जो हमने बंद किए थे स्कूल और मर्ज किए थे, 419 स्कूल मर्ज किए थे, उनमें से 19 स्कूलों की तरफ से कोर्ट में केस आ गया है कि उनका मर्जर गलत था, उसको सरकार लड़ रही है। लेकिन इस अवधि में 20 और स्कूल हिमाचल में ऐसे हो गए हैं जहां जीरो एनरोलमेंट हो गई है, और उनको भी आगे डिनोटिफाई करना पड़ेगा। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है कि उनको डिनोटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ी अपडेट है स्कूलों की छुट्टियों को लेकर। अगले सेशन से पहले राज्य सरकार जो सरकारी स्कूलों का जो वेकेशन शेड्यूल है उसको पूरी तरह से बदलने जा रही है। आज जो अंतिम सेशन था उसमें शिक्षकों से भी सुझाव लिए गए हैं, डिप्टी डायरेक्टर से भी सुझाव लिए गए हैं, और ये कहा गया है कि जो मानसून ब्रेक है उसको डायनामिक रखा जाएगा, मतलब ओपन रखा जाएगा। जो कंसर्न जिला का जो डिप्टी डायरेक्टर है वो उनके जिला में मानसून की स्थिति के मुताबिक 40 जो मानसून के दौरान जो अवकाश रहता है विंटर क्लोजिंग स्कूलों में या समर क्लोजिंग स्कूलों में, जो भी मानसून के दौरान की छुट्टियां रहती हैं, उन छुट्टियों को डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो फाइल मूव करेंगे, डीसी के साथ मिलकर डिसीजन लेंगे कि बरसात की स्थिति जो उनके जिला में है उसके मुताबिक वो शेड्यूल होगा। अभी ये होता है कि जब मानसून खत्म आता है, चरम पे होता है, तो हमारी छुट्टियां यहां मानसून ब्रेक खत्म हो जाती है और शुरू जल्दी हो जाती है। तो एक तो ये जो मानसून की छुट्टियां हैं ये जिला वाइज अलग अलग भी हो सकती हैं। जो विंटर शेड्यूल में टीचर्स की तरफ से ये डिमांड आई कि जो ब्रेक होती है वो तैयारी जितनी करवाई होती है ऐसे टाइम पे छुट्टी हो जाती है जब वो वापस बच्चा आता है तो सब कुछ भूल जाता है और उसका रिविजन भी नहीं हो पाता, तो उसमें भी चेंज होगा। इसको लेकर डिप्टी डायरेक्टर से भी सुझाव मांगे गए हैं। बरसात के लिए 20 दिन की छुट्टियां डायनामिक होंगी, वो मैंने आपको पहले बता दिया, ये 20 डेज की हैं। जो टोटल स्कूलों की 46 डेज का ब्रेक है उसको किस तरह से ऐसा किया जाए ताकि पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसको लेकर अब जो अगली ब्रेक है, जो नया सेशन शुरू होगा उस सेशन से पहले बदलाव होगा, और इस बदलाव में जो जो चीजें सामने आएंगी वो जो चीजें आगे उस तरह से आगे चलेंगी। जहां तक बात जो लोग कमेंट्स में करते हैं, देखिए जैसे ये गोपाल पोजता है, ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों के लिए कुछ भर्तियां करवाने के लिए भी कुछ करिए। देखिए, बेरोजगारों की भर्तियों को लेकर जो जो चीजें चल रही हैं अभी, अब जो हमीरपुर आयोग है वो चेयरमैन नए उसमें हो गए हैं, दो उसमें मेंबर हो गए हैं,
उसके बाद उन्होंने शुरुआत प्रोसेस में करनी है, वहां से जो वो इनिशिएट करेंगे उसके बाद चीजें आगे आएंगी। राज्य सरकार के स्तर पर जो कैबिनेट से अप्रूवल होती है, जिस दिन कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद बात करेंगे। और पम्मी कुमार कह रहे हैं कि आफ्टर सीनियोरिटी व्हाट अबाउट प्रमोशन, प्रमोशन को लेकर तो सर सरकार ने डिसीजन करना है, लेकिन अगर सीनियोरिटी का मसला पहले सेटल करना है तो ये सीनियोरिटी क्योंकि चेंज हो रही है विभागों में, तो इसी में बहुत वक्त अभी तक लगने वाला है। और ये जो वक्त है, ये जो चीजें आगे उसी तरह से बढ़ने का है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की एप्टीट्यूड, ये गौतम कश्यप का सवाल है, मुझे लगता है अगर ये रेगुलराइजेशन का है तो बात इसमें अलग है, अगर ये रेगुलराइजेशन का नहीं है तो इसमें बाकी सारी चीजों को लेकर भी थोड़ा और चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेरीज जो हमारे व्यूअर्स की तरफ से थी, ये वो हैं। बाकी अगर आपके पास भी कोई इससे संबंधित क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, इसी कमेंट बॉक्स में, और ताकि हम उसके लिए कोई रिप्लाई आपके लिए ला सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।